हेलो बच्चों, ये वाला पार्ट लास्ट वाले पार्ट का कंटिन्यूएशन है। और हम लास्ट क्लास में, अगर तुमको याद होगा, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। इसी के जैसा एक दूसरा पार्ट भी है, लेकिन उसमें ना इस रेशियो में थोड़ा बहुत हेरा फेरी करी गई है। इस रेशियो में क्या बोला गया, कैसे बोला गया, वो हमको एक बार ठीक से समझना है, ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो में, मतलब इस वाले पार्ट, लास्ट पार्ट में ट्रायंगल चैप्टर के, हम दो क्वेश्चन ही देखेंगे। वो दोनों क्वेश्चन पेपर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों को एक बार ठीक से समझेंगे कि यार क्या डिफरेंस है इस वाले में और उसके अगले वाले पार्ट में। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके लिए जरूर एक बार ट्राई करना, देखते हैं। तो ये रहा बच्चों अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एन, ठीक है कि नहीं है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग बच्चों पहले ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये रहा ट्रायंगल और ये रहा इसका जोड़ीदार दूसरा ट्रायंगल, ठीक है ना। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। इसकी यहाँ पे जरा सी इसकी ऊंचे हटा दें, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को हमारे को ना सिमिलर करना है। और दिया क्या क्या हुआ है पता है? दिया हुआ है ये, अगेन बिल्कुल पिछले वाले जैसी है ये पॉइंट, बिल्कुल पिछले वाले जैसा पॉइंट है ये, बिल्कुल मेरे ख्याल से अलग नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको साइड का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग एक बार इसको ठीक से लिख देंगे, पहले समझेंगे एक बार। तो एबी एसी और मीडियन एडी, इस बार किसके साथ रेशियो दिया हुआ है? पी क्यू, हियर इज पी क्यू पी आर और पी एम, ठीक है। इन तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है। अब क्या करना है हमारे को बच्चों, इन तीनों साइड का जो रेशियो दिया हुआ है, इसके हेल्प से हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। यार इसको करना ना थोड़ा सा लेंथी होगा पिछले वाले के हिसाब से। तो क्या करेंगे पता है, पहले बार ठीक से समझ लेंगे क्या इस वाले रेशियो में और पिछले वाले रेशियो में क्या दिक्कत है। देखो इस वाले में और पिछले वाले में ये दिक्कत है, ये है पिछला वाला ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, ए डी अपॉन में पी एम। तुम अगर ध्यान से, अच्छा मैंने ए डी और पी एम बनाया नहीं है यार, मैं बनाता हूँ। ए डी पी एम, ठीक है, ए डी और पी एम। जरा ध्यान से देखना दोनों रेशियो में क्या दिक्कत है। ये सेम है, ओके, ये सेम है, नहीं नहीं यार, तो सेम नहीं है, ये तो सेम है यार, लेकिन ये वाला पार्ट तो सेम नहीं लग रहा है भाई, कहीं से भी लग रहा है क्या? ये वाला पार्ट तो भाई कहीं से भी सेम नहीं लग रहा है। और इसी एक पॉइंट की वजह से इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। वाला क्वेश्चन जल्दी हो गया था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा। पिछले क्वेश्चन में हमको ए बी और बी सी का रेशियो क्योंकि दिया हुआ था पी क्यू और क्यू आर के साथ, इसलिए हमने एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर करके काम चला लिया। एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर करने के लिए हमको एक और सिमिलैरिटी यूज करनी पड़ी, उसके बाद बराबर हुआ। मतलब कि पहले वो सिमिलर, देन एंगल बराबर, सिंस एंगल बराबर, नाउ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो गेम ही अलग है, यहाँ पे तो गेम ये देखी है, यहाँ पे तो रेशियो ही अलग है ना। रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ मालूम है? यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ए बी का पीक्यू के साथ, जो कि ठीक है, लेकिन फिर ए सी का पीआर के साथ, और फिर मीडियन का रेशियो फिर इस मीडियन के साथ। यार अब कैसे होगा, पिछली बार कम से कम ये था तो मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया था, तो इस बार मैं एंगल बी और एंगल क्यू बराबर कैसे करूं? इस बार एंगल बी और एंगल क्यू बराबर नहीं करने, इस बार आपको एंगल ए और एंगल पी को बराबर करना है। समझ में आ गया? एंगल ए और एंगल पी को बराबर करना है। और एक और रियलिटी बता देता हूं, ये दोनों एक ही बार में बराबर नहीं होंगे, ये आपको एक एक करके बराबर करना पड़ेगा। यानी क्या, इसका पहला हिस्सा इसके पहले हिस्से के बराबर, फिर इसका दूसरा हिस्सा इसके दूसरे हिस्से के बराबर, फिर दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे, फिर इसका जुड़ा हुआ हिस्सा इसके जुड़े हुए हिस्से के बराबर, यानी कि इसका एंगल ए इसके एंगल पी के बराबर, और तब जा करके दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा।
तो यानी कि अगर मैं इसको एंगल 1 2 नाम देता हूं, इसको एंगल 3 4 नाम देता हूं, तो सबसे पहले आपको 1 और 3 बराबर करने पड़ेंगे, एक हिस्से के बराबर, और फिर दूसरा हिस्सा उसके दूसरे हिस्से के बराबर यानी कि 4 के बराबर। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, तो 1 + 2 बनेगा, 1 + 2 बनेगा एंगल ए, और 3 + 4 बनेगा एंगल पी। इस तरह से बराबर करना पड़ेगा, यानी कि ये थोड़ा सिंपल प्रोसेस तो नहीं होने वाला है। तो क्या करें, छोड़ दे? ये भी पॉसिबल है क्या? ऐसा जो तो मिटा ही देते हैं। हाँ, तो क्या करें, तो अब वही करो जो करना है, और क्या करेंगे, है ना। आइए, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू फिर से बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना बाबू लोग, इस क्वेश्चन में होगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में होगी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन होगी बताता हूं। तो ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, दोनों का मीडियन भी दिया हुआ है, तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले मीडियन भी बना देंगे। सोचो, ये रहा मीडियन और ये रहा दूसरा मीडियन, ठीक है कि नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो ये ग्रीन लाइन से जो भी कुछ बना रहा हूँ बच्चों, ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम है डी, इस पॉइंट का नाम है एम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो, ध्यान से समझना क्या है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन है ये, क्या इस लाइन को ना आपको आगे बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, तब तक बढ़ाना है जबकि इसकी खुद की लेंथ ए डी जितनी ना हो जाए, है कि नहीं है। तो ये बढ़ाते रहो जब तक ये खुद की लेंथ अपनी ए डी जितनी नहीं कर लेता है। सीधी बन रही है क्या? ए डी जितनी लेंथ बन रही है, चलो मान लो कि इसकी लेंथ ए डी जितनी बन गई है, तो अभी उसको नाम देंगे ए बी सी डी ई, और बाकी दोनों के दोनों पॉइंट बी और सी को इससे हम लोग जोड़ देंगे। अरे यार, ठीक है, चल कुछ तो बन गया। सेम इसमें भी कंस्ट्रक्शन होगा, तिरंगा लग रहा है, मस्त लग रहा है। अच्छा ठीक सबसे पहले रेशियो लिखना है वो वाला दोबारा से। तो ए बी ए सी ए डी, पी क्यू पी आर और पी एम, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों रेशियो हमारे को दे रखे हैं। अब इन तीनों रेशियो का इस्तेमाल करना है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। मैं दोबारा बता देता हूं, हम एंगल को एक ही बार में बराबर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको दो बारी में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नाम देते हैं एंगल 1, या फिर नाम ना भी दो तो ऐसे चलेगा पता है, लेकिन बस हाँ ये ध्यान रखना है कि यार इस एंगल को पहले इस एंगल के बराबर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए संक्षेप में बता देता हूँ हमको बच्चों, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो शेड करके बता देता हूँ। तो इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर करना पड़ेगा, आ गया समझ में? कैसे करें, कैसे करें? तो ये तीनों रेशियो दे रखे हैं ना, इन्हीं का यूज करेंगे सिमिलर करने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे रेशियो बराबर किया जा रहा है, ये आपको भी परफॉर्म करना है, इसलिए अगर किसी पॉइंट पर अगर दिक्कत आती है तो प्लीज, ठीक है ना, कमेंट
कमेंट में बिल्कुल अपने डाउट पूछे कि भैया ये कैसे होगा, मैं बिल्कुल हर एक कमेंट पढ़ूंगा और जवाब बिल्कुल दूंगा। तो इन अच्छा एक चीज और बताता हूँ इनको करने से पहले ना, आपको एक चीज और करनी है, वो है ये कि बच्चों ध्यान से देखो, तो आपका जो ए डी है क्या वो डी के बराबर नहीं है ना? मैंने कंस्ट्रक्शन में जानबूझ करके ए डी को डी के बराबर किया है, और क्या बी डी जो है वो डी सी के बराबर नहीं है? मैंने जानबूझ करके ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यार ये मीडियन है, तो मैंने कुछ यहाँ पे जानबूझ के बराबर नहीं किया, यानी कि ये भी आधा आधा इक्वल पार्ट है और ये भी आधा आधा इक्वल पार्ट है। आपको ये फिगर कुछ जाने पहचाने नहीं लग रही है? जो बचपन में हमने देखी थी, बचपन में एक चैप्टर में हमने पढ़ा था इस तरह के फिगर को क्या बोलते हैं, इस तरह के फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन ऐसा हवा में बात कैसे कर रहे हैं भैया, है ना? ऐसा कहाँ है, कोई प्रूफ दो। तो बच्चों ये है डायगनल AE और ये है डायगनल BC, और इसी पॉइंट पर ये दोनों डायगनल एक दूसरे को इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सिंस डायगनल्स AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर AB ED इज अ पैरेललोग्राम, एंड फॉर द सेम रीजन इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? सेम फॉर द सेम रीजन सिमिलरली PQ SR इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया यहां तक क्या हुआ? तो दोनों क्या हो गए? पैरेललोग्राम। लेकिन इससे फायदा क्या होगा भाई? देखो पैरेललोग्राम के ना अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं दोबारा बताता हूँ, हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर करने वाले। कैसे करेंगे भाई? इस पूरे रेशियो को उठा करके पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR, AD अपॉन में PM, तीनों रेशियो हमको दे रखे हैं बराबर। तो पता मैं क्या करूंगा, AB अपॉन में PQ, इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल का PQ बराबर है, लेकिन AC और PR तो हमको नहीं चाहिए क्योंकि AC तो इस ट्रायंगल का पार्ट है और PR यहाँ का पार्ट है, इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, ये येलो वाले के अंदर। तो क्या करें? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो AC के बदले BE और PR के बदले QS। ठीक है, तो AC के बदले हम लोग लिखेंगे BE, तो यहां से हम लोग AC हटा देंगे, AC हटा देंगे और AC के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? BE, और PR के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? QS। जो स्ट्रैंगल में हो रहा है वो भी स्ट्रैंगल में हो रहा है। अच्छा AD और PM, ये रहा AD और ये रहा PM, लेकिन अगर मैं पूरे ट्रायंगल को सिमिलर कर रहा हूँ, ये तो ट्रायंगल का आधा हिस्सा आ रहा है, मेरे को तो पूरा हिस्सा चाहिए, वो कैसे करें? तो भैया आपको करना पड़ेगा AD को दुगना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि यार जो AD है ना वो बी ए ई का आधा हिस्सा है, जो ए डी है वो ए ई का आधा हिस्सा है कि नहीं है? तो यानी कि ए ई का आधा हिस्सा, और जो पीएम होगा ना पीएम वो पीएस का आधा हिस्सा होगा। ठीक है, काट सकते हैं। तो बच्चों आपका जो ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशियो BE अपॉन में QS के बराबर आया, और फिर AE अपॉन में PS के बराबर आ गया। तो यानी कि AB अपॉन में PQ, PE अपॉन में QS और AE अपॉन में PS, तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया, तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया। यानी कि बच्चों ये दोनों ट्रायंगल आपस में कौन से रूल से सिमिलर हो गए? ट्रिपल S से। तो बाय SSS बाय SSS ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। बताइए बच्चों, यहां तक समझ में आ गया तुम्हारे को? तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मतलब हो चुके हैं, तो ये वाला पार्ट बराबर होगा कि नहीं होगा? इस वाले पार्ट का नाम मालूम है क्या है यार? वैसे तो मैं 1 2 3 देने वाला था, लेकिन मैं इसका पूरा नाम लिखूंगा, इसको पूरा नाम है BAE बे, अबे QPS QPS
PS, और ये हमको कैसे मिला? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हुआ उससे मिला, समझ में आ गया? अच्छा क्या सिमिलर तरीके से हम लोग ये वाला पार्ट सिमिलर नहीं कर सकते? बिल्कुल इसी तरीके से इस ट्रायंगल का दूसरा वाला पार्ट सिमिलर नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से तुम लोग कर सकते हो ऐसा, है कि नहीं? और अगर कर सकते हो तो मेरे हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। और पता है इस एंगल का नाम क्या है? इसका एंगल नाम है CAE, इसका नाम है RPS। Similarly, CAE equals to angle RPS, ठीक है कि नहीं है? और अब CAE RPS BAE QPS मिल जाएंगे तो बनेगा एंगल A, मिल जाएंगे तो बनेगा एंगल P। लेकिन मिलेंगे कैसे भाई? मिलने को तो दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे मिलाना है, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो कैसे ऐड होता है यार? LHS RHS से, RHS RHS से, BAE QPS, BAE QPS ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इससे इससे CAE RPS। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल A। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल P। अब क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से एंगल A और एंगल P को बराबर कर दिया है और मेरे पास इसके अगल बगल वाले साइड का भी रेशियो है, तो आइए फिर इसको अप्लाई करते हैं। तो वी हैव AB अपॉन में PQ बराबर AC अपॉन में PR, ठीक है ना? इन ट्राइंगल ऑब्वियसली ABC एंड ट्राइंगल PQR। लगता है बम फटने का टाइम हो गया। ABC और ट्राइंगल PQR दोनों साइड का रेशियो बराबर और इनके एंगल, इनके बीच का एंगल ही बराबर, AB और AC के बीच का एंगल है एंगल A, PQ और PR के बीच का एंगल P, दोनों साइड का रेशियो बराबर, दोनों एंगल बराबर। तो ये कहां से मिला हमको? गिवन। ये कहां से मिला हमको? प्रूव्ड अबव। और कौन से रूल से हुआ भाई? तो बाय साइड एंगल, साइड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और हेंस मिशन अकम्प्लिश्ड। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया लेकिन ये कि जब प्रैक्टिस वगैरह करोगे ना, कम से कम मिनिमम एक दो बार तो करनी है यार, ठीक है ना? मिनिमम दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन पक्का तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये विराट, ठीक है? देखिए क्या दिया हुआ। In the given figure, AB, CD and EF, each is perpendicular to BC, such that AB बराबर P, CD बराबर Q, EF बराबर R, BF बराबर A, CF बराबर A, ये बराबर वो, पता नहीं क्या क्या। तो 1 upon में P plus 1 upon में Q equals to 1 upon में R। ये हमको proof करके दिखाने कि 1 upon में P plus 1 upon में Q equals to 1 upon में R। मैं simple बता देता हूँ क्या है। ये रहे दो triangle, ABC right angle triangle है, दूसरा triangle D CB, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बेसिकली ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल आप कह सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने जो बोला है वो बोला है ये कि AB, EF और DC, ये तीनों के तीनों BC के ऊपर परपेंडिकुलर बनाए गए हैं, ये तो बाद में जोड़े गए हैं सारे, ठीक है कि नहीं? तो बोला गया कि जो AB की एक्चुअल लेंथ है ना वो है P, DC की जो एक्चुअल लेंथ है वो है Q, और EF की जो एक्चुअल लेंथ है वो है R। तो प्रूफ करो कि 1 अपॉन में P और 1 अपॉन में Q इक्वल्स टू 1 अपॉन में R, ये कैसे प्रूव होगा? आप ये करके दिखाओ। तो हम लोग यार ऑब्वियसली यहाँ पर सिमिलैरिटी का यूज करेंगे ये सब कुछ करने के लिए, मतलब कि ये वाला पार्ट प्रूव करने के लिए, ठीक है ना? कैसे करेंगे भाई, आइए देखें। अरे तो देखो यार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो इतना कोई हैवी क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसमें बस मैं एक मार्किंग कर देता हूँ जिससे तुमको समझ में आ जाए कि देखो जैसे ये बन रहा 90, यहाँ भी बन रहा है 90 और यहाँ भी बन रहा है 90, ठीक है?
देखिए नाउ शुरुआत करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने से, ए बी सी और ई एफ सी, ए बी सी ई एफ सी, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग करेंगे बच्चों सिमिलर, कैसे कैसे करके करेंगे, 90 90 ईच एंगल कॉमन, हेंस दो ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन से रूल से, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है ना। तो ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ सी, ठीक है कि नहीं है, क्या क्या रीजन दिया भाई, एंगल बी 90 और इसका एंगल ई एफ सी 90। एक समझदार बच्चा जानता तो है कि एफ पे 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन वो कभी उसको एफ नहीं बोलेगा, वो जानता है कि एफ पे एंगल इस साइड भी बन रहा है और इस साइड भी बन रहा है, इसलिए वो जिस साइड पे एंगल बन रहा है उसका पूरा नाम स्पेसिफाई करके लेगा। तो ये ई एफ सी इस तरफ मुड़ करके एंगल बन रहा है, समझ में आया, मुड़ करके एंगल बन रहा है इसलिए पूरा एंगल बताएगा वो, एक समझदार बच्चा तो भाई यही करेगा। ई एफ सी ईच 90 डिग्री, समझ में आ गया तो क्या हुआ? अब कॉमन एंगल भी तो है, ये रहा वो कॉमन एंगल, कहाँ है वो कॉमन एंगल, ये रहा वो कॉमन एंगल, ये ए बी सी ए सी बी के अंदर भी आता है और ई सी एफ के अंदर भी आता है कि नहीं है। लेकिन एक समझदार बच्चा दोबारा जानता तो होगा कि एंगल सी है, लेकिन उसको एंगल सी बोलेगा नहीं, और दोनों ट्रायंगल में ये सेम नाम से नहीं जाना जा रहा है, अलग अलग नाम से जाना जा रहा है, जैसे कि ये हो गया ए सी बी बड़े ट्रायंगल के लिए और ई सी एफ छोटे ट्रायंगल के लिए, ये करना बच्चों जरूरी होता है, ठीक है कि नहीं है। ये उसको तुम ऐसे समझो जैसे कि कोई ऐसी ऐसी चीज होती है ना जो एक स्टेट में किसी और नाम से जानी जाती है और दूसरे स्टेट में किसी और नाम से जानी जाती है, जैसे कि यहाँ पर तुम लोग बोलते हो गोलगप्पे, ठीक है ना, यहीं अगर तुम क्या कहते हो थोड़ा बंगाल की साइड चले जाओ तो हमें फुचका कहते हैं, ठीक है ना, थोड़ा मुंबई मुंबई की साइड चले जाओ तो हमें पानी पूरी पानी बताशे ऐसे कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। और होता वो एक ही चीज है, होता कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज होती है वो, ठीक है ना। तो ये चीज है तो हम लोग इसको नाम देंगे क्या ना, अरे वाइट, क्या नाम होगा इसका बड़े ट्रायंगल में ए सी बी और छोटे ट्रायंगल में ई सी एफ, कॉमन एंगल, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, दो एंगल हो गए भाई, काफी है दो एंगल, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल, विच ट्रायंगल सिमिलर टू व्हाट ट्रायंगल, बी बराबर एफ सी बराबर सी, बचे हुए लेटर, तो ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है इनके साइड का रेशियो बराबर होता है कि नहीं है। तो ए बी का रेशियो ई एफ के साथ, बी सी का रेशियो एफ सी के साथ, ए सी का रेशियो ई सी के साथ, और कसम से बताऊं ये वाला कोई काम का नहीं है, ये मैंने लिखा था पता है किसका रेशियो, इसका ए सी का रेशियो इसके, अबे क्या काम है इसका, कोई नाल लेंथ दे रखे ना कुछ दे रखे, किस काम का ये, लिखा ही नहीं मैंने, ये रहा, अरे फिर से आ गया ताते बच्चू, चलो ठीक है, ए बी अपॉन में ई एफ बराबर बी सी अपॉन में एफ सी, समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ। तो ये है अब ये रेशियो बराबर, इसकी वैल्यू भी तो लिखनी है ना हमारे को, आओ बच्चों इसकी वैल्यू लिखें, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है पी, ई एफ की वैल्यू कितनी है, ई एफ की वैल्यू है आर, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू, बच्चों बी सी की वैल्यू है ये ए प्लस बी, ठीक है ए प्लस बी, एफ सी की वैल्यू कितनी है, एफ सी की वैल्यू वह है खाली बी, बताओ बच्चों ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया। और जैसे मैंने इस ट्रायंगल को सिमिलर करा है, मतलब इस तरफ के मुंह वाले ट्रायंगल को, इसी सेम तरीके से ना बच्चों आप दूसरी तरफ वाले ट्रायंगल को भी सिमिलर कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना होगा मैं बता देता हूँ, क्या करना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री ईच एंगल हो जाएगा कॉमन और बस दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, अरे यार ये अटक गया शायद, ठीक है ना, ये वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये प्लीज तुम अपना आप कर लेना।
हम लोग सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे भाई, सी बराबर सी, सी बराबर सी, ठीक है, बी बराबर बी, कॉमन एंगल, तो बी बराबर बी। तो बड़े वाले का जो छोटा हुआ लेटर है वो है डी, छोटे वाले का जो छोटा हुआ लेटर है वो है ई, ठीक है। तो डी बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई बी सी। अब जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इनके रेशियो बराबर होते हैं भाई, तो डी बी का रेशियो ई बी के साथ, बी सी का रेशियो आए एंगल, अच्छा यहाँ पे तो एफ आना चाहिए था ना, बी सी का रेशियो बी एफ के साथ, और यार डी बी का रेशियो, अरे मैंने शायद गलत लिख दिया कुछ, ये तो सही तो था, बस अंडो काम नहीं कर रहा इसका, कहीं और ही काम कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं, ठीक है ना। बी बराबर बी, एफ बराबर सी, 90 डिग्री, इसका जो छोटा हुआ एंगल है वो है ई, उसका जो छोटा हुआ कोना है वो है डी। अब रेशियो बराबर होगा तो जो बी एफ का रेशियो बी सी के बराबर, एफ ई का रेशियो सी डी के बराबर, और बी ई का रेशियो बी डी के बराबर। अब हम एक बार इसमें ये देखेंगे कि कौन सा वाला रेशियो इसमें काम का नहीं है, मैं बताता हूँ कौन सा रेशियो काम का नहीं है। अगर आपको कहीं पे डी बी और ई बी दिखाई दे रहा है ना, वो काम का नहीं है। कहाँ है वो, डी बी ई बी, ये रहा बेकार का रेशियो, ये है काम का रेशियो, बी एफ ए बी सी, ए प्लस बी, एफ ई, एफ ई आर, सी डी, सी डी मतलब क्यू, ठीक है कि नहीं है। तो ये आ गया हमारा दूसरा रिजल्ट, इसको हम लोग मान लेंगे सेकंड इक्वेशन, और इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और अब मैं जो मैं बोलने वाला हूं वो करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, या फिर उसको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल करते हैं और फिर उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है ना, और तुमको एंड में अपना समझ में आ जाएगा। तो यार इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे ऐसे, R अपॉन में P, या फिर उधर ही लिख देता हूँ उधर की साइड में, इसको इक्वेशन नंबर वन हम लोग नहीं देते हैं, इसको रेसिप्रोकल करने पर मिलेगा R अपॉन में P बराबर P अपॉन में A प्लस B, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके। और हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, वैसे इसको करने का ना एक तरीका और भी है, ठीक है ना, इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे, क्योंकि यार ये वाला सबसे छोटा तरीका है इसका। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, देखिए ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड कर देना, आर अपॉन में पी प्लस आर अपॉन में क्यू, आर वाले पार्ट आपस में ऐड, ए वाले बी वाले पार्ट आपस में ऐड, यानी कि ए अपॉन में ए प्लस बी, बी अपॉन में ए प्लस बी। यहां पर भाई भूल करके भी एलसीएम मत ले लेना, एलसीएम नहीं लेना यहाँ पे, यहाँ पे कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद बन जाएगा 1/p और 1/q। यहां पर एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर भी एलसीएम क्या लोगे, यहाँ पे भी कॉमन लेके काम चल, एलसीएम लेके भी काम चल जाएगा, कॉमन लेके भी काम चल जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे बनेगा ए प्लस बी, ऊपर बनेगा क्या, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम सेम आता है, एलसीएम सेम आएगा ए प्लस बी, और ऊपर वाले भी वैल्यू सेम आएगी, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू ए सेम आएगा और बी सेम आएगा, ठीक है कि नहीं है। और अब ए प्लस बी से ए प्लस बी हो गया कैंसल, और यहां पर कितना आ गया 1, तो आर 1/p और 1/q बराबर में 1, और अगर ये आर भी उधर डिवाइड में चला गया तो 1/p और ये 1/q बराबर में 1/r, और ये हो गया क्या हमारा, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है कि नहीं है। तो मैं एक दूसरे तरीके की बात कर रहा था कि इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वह कुछ ऐसे होगा, आर अपॉन में पी बराबर
आर अपन पी बराबर पी अपॉन ए प्लस बी एंड ए अपॉन में ए प्लस बी आर अपॉन में क्यू। ठीक है, ए अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है ना बच्चों। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है ये कि रेसिप्रोकल दें फर्स्ट, तो आर अपॉन में पी बराबर अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड, तो इसको कर दो भाई रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा पी अपॉन में आर ए प्लस बी अपॉन में बी क्यू अपॉन में आर ए प्लस बी अपॉन में ए। बाइफरकेट बाइफरकेट, स्प्लिट स्प्लिट, जो बोलना चाहो कर लो, सेपरेट सेपरेट, पी अपॉन में आर बराबर ए अपॉन में बी प्लस बी अपॉन में बी Q अपॉन में R इक्वल्स टू A अपॉन में A प्लस B अपॉन में B। B से भी कट सकता है, B से भी कट सकता है, प्लस का उन्हें इधर आ सकता है, माइनस में, इक्वल्स टू A अपॉन में B। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी सेम, प्लस का उन्हें इधर आ सकता है, वही ऑब्वियसली माइनस में इक्वल्स टू ए अपॉन में, अरे यार मैंने गलत कर दिया इसमें, ए अपॉन में ए प्लस बी अपॉन में ए, ये वाला कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे बचेगा बी अपॉन में ए। बच्चों इधर क्या करना है पता है, एलसीएम लेना है, इधर तो एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा पी माइनस आर अपॉन में आर इक्वल्स टू ए अपॉन में बी, और इधर q माइनस आर अपॉन में आर इक्वल्स टू बी अपॉन में q। ठीक है, रेसिप्रोकल अगेन, आर माइनस पी अपॉन में आर होती है यार बी अपॉन में, वो भी बी अपॉन में, ये भी बी अपॉन में, इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में आप लोग इक्वेट कर सकते हो, ठीक है ना, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट आर अपॉन में पी माइनस आर इक्वल्स टू क्यू माइनस आर अपॉन में आर, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, पी माइनस आर मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर के साथ, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर पी क्यू पी आर आर क्यू आर स्क्वायर। बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो सकता है कैंसिल, क्या बचेगा जीरो, यहां बचेगा पी क्यू पी आर और आर क्यू। ठीक है, यहां तक आ गए, सर्वाइव कर गए यहां तक, ठीक है, तो यहां के बाद हमको क्या करना है पता है, पी क्यू आर से डिवाइड बोथ साइड, बोथ साइड पी क्यू आर से डिवाइड, जो जीरो से तो कोई भी डिवाइड होगा खत्म, कट सकता है, हाँ वन बाय आर वन बाय क्यू वन बाय पी जीरो बराबर वन बाय आर वन बाय क्यू वन बाय पी, उठाओ इधर भेज दो, वन बाय पी यहाँ पे आके प्लस का वन बाय पी, माइनस का क्यू वन बाय क्यू यहाँ पर आके प्लस का वन बाय क्यू, इक्वल्स टू में वन बाय आर।
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको किसी बुक से कहीं पर भी मिलता है, प्लीज उसको जरूर से ट्राई करना, ठीक है ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, ठीक है बच्चों। इस पूरे के पूरे वीडियो को एक बार चाहो तो एक बार फास्ट पेस में देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस देख जरूर लेना, अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करना, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए यहीं पे इतना ही खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।